के मामलात आलू के आ रहे हैं, तो मैंने उनके गोश गुजार किया कि प्लीज़ आप मेहरबानी करें, कल मैं आपका ऑफिस में इंतज़ार करूंगा और आप तशरीफ़ ले कर आएँ और हम लोग बैठ के तो इसका कोई हल निकालते हैं। सर, दूसरे दिन हमने ऑफिस में जाके उनके नंबर्स पे कॉल भी की, मैंने अपने तमाम डिपार्टमेंट्स के लोगों को भी वहाँ पे बिठाया हुआ था, लेकिन बदकिस्मती से राजमल साहब तशरीफ़ लेके नहीं आए। अभी भी जो आलू का मामला आया हुआ है, सर हमारी जो प्रोडक्शन है वो तकरीबन 4.4 मिलियन टन्स के करीब है और हम लोग जो ख़ुद इसको इस्तेमाल करते हैं वो तकरीबन 3.2 या 3.3 मिलियन टन्स जो है कि जो हम लोग ख़ुद इसको इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा 6 से 7 लाख टन आलू जो है वो हम लोग सीड के लिए रख लेते हैं। पिछले दिनों चाइनीज़ एम्बेसडर तशरीफ़ लेके आए, बेलारूस के आए, उन सब से गुफ्तगू हुई और वो सब लोग हमारा आलू लेना भी चाहते हैं। तकरीबन 50,000 टन के करीब चाइना वालों की है कि जी रिक्वायरमेंट है कि उन्होंने कहा है कि जी हमें 50,000 टन के करीब हम लोग आपसे लेंगे आलू। बेलारूस वालों ने कहा है कि जी तकरीबन 30 से 35 के करीब वो लेंगे। रशिया वाले हमेशा हमसे आलू लेते हैं, कोई तकरीबन 30-40 हज़ार टन वो भी ले लेते हैं। सर, इतना बड़ा आलू का पैनिक है नहीं जितना कि इसको क्रिएट किया जा रहा है। असल मामला ये है कि इस दफ़ा पहली दफ़ा FBR ने कहा है कि जो भी इस दफ़ा कोई भी चीज़ बाहर एक्सपोर्ट करेगा तो हम उनके जो हैं कि पिछले 5 सालों के उसी से असेस करेंगे कि इन लोगों ने कितने कमाया है या जो कुछ किया है। इस वजह से हमारे ये जो लोग हैं, जो मिडिल मैन जो ख़रीदते हैं और बाहर एक्सपोर्ट करते हैं, वो इस चीज़ से पीछे हट रहे हैं। इंशाल्लाह ताला, जैसा कि पहले भी ईशा महमूद कुरैशी साहब ने भी कहा है कि हम लोग इनके साथ बैठ के जो भी लाअमल बैठ के हम लोगों ने ज़रूर अपने काश्तकारों को, खा गंदम हो खा शुगर केन हो या कोई इशू भी हो, हमारी गवर्नमेंट ने ज़रूर उन्हें फैसिलिटेट करना है। जी बहुत शुक्रिया। जी बहुत अच्छा जी। ये